तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारा है नेचर ऑफ रूट। एक्सरसाइज आपका है 4.4 एनसीईआरटी का। तो नेचर ऑफ रूट में बेसिकली आपको 3 पॉइंट्स याद रखनी है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। सेकेंड आपका इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन टू इक्वल रियल रूट्स। थर्ड आपका होता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 देन नो रियल रूट। ये तो कंडीशन है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो आपके दो अलग अलग रूट होंगे, और यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है 0 के तो आपके जो टू रूट मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे, और यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो आपका कोई रूट नहीं होगा। देखिए एक बात मैंने और बताया था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक का बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो आपको फाइंड आउट करना है ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला बता देता हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और करके लिख रहा हूं मैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a वेयर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए तो एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, सोल्यूशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 5। तो d इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है आपका माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। 3 का स्क्वायर 9 और 4 टू 8, 8 5 जा 40, तो आपको यहां से मिल जाएगा माइनस 31। डी इक्वल टू माइनस 31, डी लेस देन इक्वल टू 0। जब डी की वैल्यू 0 से छोटा है तो आपका कोई रूट रियल रूट नहीं होगा। मैं लिख देता हूं देयरफॉर नो रियल रूट्स। फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, सेकंड पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इक्वल टू 4। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है आपके पास माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 रूट 3 3 माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48। तो ये तो आपका 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो आपका क्या होता है 2 इक्वल रूट। जब 2 इक्वल, ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की वैल्यू कितनी है माइनस, और माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 अपॉन 2a।
तो मैं इधर सॉल्यूशन कर देता हूं, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस फोर रूट थ्री प्लस जीरो अपॉन टू इन टू थ्री, टू वन जै टू, टू टू जै फोर इक्वल टू टू रूट थ्री अपॉन थ्री। एक्स इक्वल टू टू रूट थ्री अपॉन थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री से और डिवाइड करेंगे रूट थ्री से, तो टू रूट थ्री थ्री अपॉन थ्री इन टू रूट थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा आपका, तो फाइनली आपका कितना आएगा, टू अपॉन रूट थ्री, टू इक्वल रूट होंगे तो टू अपॉन रूट थ्री। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट देखिए क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। सोल्यूशन, ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू माइनस सिक्स एंड सी इक्वल टू थ्री, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर आपका कितना, माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इन टू टू इन टू थ्री, तो ये सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस फोर टू जा एट और एट थ्री जा ट्वेंटी फोर ट्वेल्व, तो डी इक्वल टू ट्वेल्व आ गया। तो d की जो वैल्यू है वो जीरो से तो बड़ी है, d ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, दो अलग अलग रूट होंगे, इसकी भी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। बी की वैल्यू यहां से ले लेंगे तो प्लस सिक्स हो जाएगा आपका, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ट्वेल्व, डी की वैल्यू है अपॉन टू इन टू ए है आपका टू, ठीक है। तो सिक्स प्लस माइनस, देखिए ट्वेल्व का कितना रूट आ जाएगा आपका, निकाल के यहां से बता देता हूं मैं, ट्वेल्व टू सिक्स टू थ्री थ्री वन, टू रूट थ्री अपॉन टू टू जा फोर। बोथ में कॉमन क्या है, बोथ में कॉमन टू ले सकता हूं मैं, तो थ्री प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन फोर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर इक्वल टू थ्री अपॉन टू प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन टू। इसको अलग अलग करके लिख देंगे तो एक्स इक्वल टू थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन टू और थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन टू, ये आपका आंसर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इनका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू के एंड सी इक्वल टू थ्री। तो हम लोग जानते हैं कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू, b की वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर माइनस फोर इन टू ए टू और c है आपका थ्री। टू इक्वल रूट है तो टू इक्वल रूट में क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जीरो इक्वल टू आपका यहां से आ जाएगा k स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर, k स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फोर, k इक्वल टू स्क्वायर रूट ट्वेंटी फोर इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट सिक्स, तो के का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस टू रूट सिक्स। सेकेंड पे आते हैं, सबसे पहले से तो सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स को एक्स के साथ, तो के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस
plus 6 equal to 0. A equal to k, b equal to minus 2k, and c equal to 6. So d equal to b square minus 4ac. 2 equal root hai, to 0 equal to b ki value kya hai, minus 2k ka square minus 4 into a hai aapka k into c kitna hai 6. So 2 ka square 4 k square minus 24k. 4k मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो k minus 6 0 है, 0 रहने दीजिए. तो 4k into k minus 6 equal to 0, k minus 6 equal to 0 upon 4k, k minus 6 equal to 0, तो k equal to 6. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन थर्ड, देखिए, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है जिसकी लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ से, ठीक है. तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है. Solution, let the breadth of the mango grove be x meter and the length of the mango grove be 2x. We know that area of rectangular equal to rectangular of mango grove लिख लो आप. Equal to L into B. Area है आपका given 800 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ है आपका कितना 2x इनटू ब्रेथ है आपका x. तो 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 400, x स्क्वायर इक्वल टू 400, x इक्वल टू जब इसकी स्क्वायरिंग को हटाएंगे तो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा और 400 का रूट हमें पता है कितना होता है 20, तो x इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 20. तो ब्रेथ तो हमें पता चल गया 20 मीटर है. अब लेंथ निकालना है हमें, यहां लिख देता हूं, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव equal to 20 meter and length equal to 2x equal to 2 into 20 equal to 40 meter. So next question पे आते हैं, question number 4 पे. देखिए question number 4 क्या है, is the following situation possible, if so determine their present age, the sum of the age of two friends is 20 years, 4 years ago the product of their age in years was 48. देखिए possible, possible यानी कि जो discriminant है, अगर real value आता है या distinct आता है तो possible है कि आगे की value find out करेंगे. अगर real और distinct नहीं आता है तो हम कहेंगे कि जो given situation है वो हमें possible नहीं है. तो आइए इनका solution देखते हैं. Let the present is of first friend B X and the present is of second friend B
20 माइनस एक ईयर्स, देखिए यहां भी ईयर लगाइए, माइनस क्यों किया कि दोनों फ्रेंड का जो सम है वो 20 है, इसलिए हमने माइनस फर्स्ट फ्रेंड को कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से देखिए, फोर ईयर्स आगो, आगो में क्या होता है माइनस, तो एक्स माइनस फोर, तो 20 माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू 48। देखिए प्रोडक्ट दोनों फ्रेंड का दिया हुआ था इसलिए हमने प्रोडक्ट में लिया है, ठीक है। तो एक्स माइनस फोर इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एक्स, और एक्स को मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 64 प्लस 4 एक्स इक्वल टू 48। ऐड करेंगे, सबसे पहले अरेंजमेंट कीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स, मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स, और ये अब जब ऐड करेंगे तो आपको प्लस में मिल जाएगा 112। आगे में एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 112 इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 20 एंड सी इक्वल टू 112। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी आपका होता है, ठीक है। तो b की वैल्यू है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, 20 का स्क्वायर आपका 400 माइनस, ठीक है। तो d इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 माइनस 112 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 448, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 48। देखिए डी जो है आपका जीरो से छोटा है, तो यहाँ मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लिखता हूँ, देयरफॉर नो गिवन सिचुएशन सिचुएशन नॉट पॉसिबल, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर इसका रूट रियल या डिस्टिंक्ट आता है तो पॉसिबल है कि हम इसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि कोई रियल रूट है इसका, तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो इनका सॉल्यूशन देखते हैं, लेट द लेंथ बी एक्स, वी नो दैट पैरिमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, पैरामीटर है आपका 80, तो 2 एल हमने मान के रखा है यहां से लेंथ एक्स प्लस बी, 2 से कैंसिल कर दे रहा हूं, ये आपका 40 इक्वल टू एक्स प्लस बी। एक्स को आप इधर भेजो तो ब्रेथ आपको पता चल जाएगा, 40 माइनस एक्स इक्वल टू बी, ब्रेथ यहां से पता चल गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है आपका 400 इक्वल टू लेंथ आपका एक्स इंटू ब्रेथ है आपका 40 माइनस एक्स, तो 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0, माइनस को बाहर ले रहा हूँ मैं कॉमन, तो x स्क्वायर पॉजिटिव तो नेगेटिव 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0।
Now A equal to 1 and B equal to minus 40, C equal to 400. So D equal to B square minus 4AC. B है आपका कितना? Minus 40 का square minus 4 into 1 into 400. तो 40 का square 1600 minus 4 4 जा 16 और 20 मैं include नहीं किया था. तो D equal to 0. ठीक है, D equal to 0 आ गया. तो हमें possible है कि इसकी हम length find out कर सकते हैं. यहां से मैं लिखूंगा कि D equal to 0, therefore 2 equal root. ठीक है, 2 equal real root लिखिए. अब आगे में क्या solution करना हमें, x equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac upon 2a. b है आपके पास में माइनस और माइनस 40 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपका आया 0 अपॉन 2 इनटू a1. तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 20. तो x इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा 20 कोमा 20.